जय जय शिव शंकर शंभु कैलाशपति महादेव की जय हो। मित्रों कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे एवं मजे में होंगे। मित्रों आज के वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूँ एक दिव्य एवं प्रभावशाली मंत्र के बारे में। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो आपको सुनना चाहिए, तो आइए जानते हैं इस मंत्र के बारे में। मित्रों आज का जो वीडियो है वो अन्न पचाने के मंत्र के बारे में है। अगर आपके पेट में कोई परेशानी है, अगर भोजन आप नहीं पचा पा रहे हैं, तो मैं आपको एक मंत्र के बारे में बताने वाला हूँ, जिस मंत्र के प्रयोग से आप अपने पाचन तंत्र को मजबूत अवश्य करेंगे। तो आइए अब हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों सबसे पहले मैं आपको इस मंत्र को एक बार पढ़ के सुना देता हूँ। मंत्र को आप ध्यान से सुनिएगा। मंत्र है अज्रहाथ वज्रहाथ भस्म करे सब पेट का भात, दुहाई हजरत शाह कुतुम आलम की। मंत्र आपने सुना, मंत्र बेहद सामान्य था। इसको आप एक बार फिर से दोबारा सुने ताकि मंत्र के प्रयोग में आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। मित्रों मंत्र है अज्रहाथ वज्रहाथ भस्म करे सब पेट का भात, दुहाई हजरत शाह कुतुब आलम की। मंत्र को आपने सुना, मंत्र बेहद सामान्य था। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध कर लेते हैं तो अपने पाचन तंत्र को आप मजबूत अवश्य कर लेंगे। मित्रों भोजन करने के पश्चात आपको गिनती के साथ में 31 बार गिनती के साथ में 31 बार आपको इस मंत्र को पढ़ना है अपने हाथ से। गिनती भी आपको अपने हाथ से ही करना है। मित्रों 31 बार इस मंत्र को अपने हाथ पर अभिमंत्रित करने के बाद आपको अपने हाथ को अपने पेट पर फेर देना है। मंत्र भी सामान्य है और उपाय भी सामान्य है। अगर आप ऐसा करते हैं तो ऐसा आपको रोज करना चाहिए, तो कुछ दिनों के बाद आपका जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा मजबूत होगा एवं भोजन पचने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। मित्रों इस मंत्र के प्रयोग में यदि आपको कोई भी परेशानी हो तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपनी परेशानी को कमेंट अवश्य कर दें, मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा। मित्रों मुझे उम्मीद है अब तक आपने वीडियो लाइक कर दिया होगा, साथ में YT पुरुषोत्तम को आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा एवं वीडियो के नीचे में आप अपने इष्ट देवता का नाम कमेंट अवश्य कर दें एवं वीडियो हर जगह शेयर कर दें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।